नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है स्पॉटलाइट कार्यक्रम में। और हर बार की तरह मैं हूं आपकी दोस्त आंचल। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ हम लोग आपको कई उन लोगों से मिलवाते हैं, उनकी विचारधाराओं से मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं जिन्होंने जो है समाज को अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है, या फिर बात कर लीजिए कि उन्होंने समाज को है वो अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। और आज इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान संस्था संघ के कई महाअनुभव। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे राजस्थान संस्था के बारे में बहुत कुछ। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान का नाम लेते ही एक रंग रंगीली राज्य की छवि उभर कर आ जाती है। राजस्थान की समृद्ध कला, संस्कृति और इतिहास एक ऐसे खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर रंग का फूल और खुशबू समाई हुई है। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराजा राणा प्रताप, दुर्गादास और अन्य यही की रणभूमि की संतानें हैं। भामाशाह की निस्वार्थ सेवा, रानी पद्मिनी के जौहर और पन्नाधाई का त्याग जगजाहिर है। राजस्थान की कला, संस्कृति एवं सभ्यता ने इसे विश्व में विशिष्ट पहचान प्रदान की है और यही कारण है कि राजस्थान आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। राजस्थान की खुशबू तो भारत में हर जगह फैली हुई है, लेकिन दिल्ली में राजस्थान की माटी की खुशबू फैलाने, राजस्थान की संस्कृति को बरकरार रखने में राजस्थान संस्था संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप समझिए कि राजस्थान को अगर हम देखें तो बिल्कुल देश से बिल्कुल अलग है। कहीं पर हम जाते हैं अपना मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात तो चलो अलग बात है, बाकी इंटीरियर गाँव में भी जाए तो ऐसा स्नेह नहीं मिलेगा। एक तो पहली संस्कृति में भाषा की बात में मैं खुद याद है मेरे को अपनी दादी जी की बात कि अगर कुत्ता भी आकर आंगन में बैठ गया तो उसका भी अनादर नहीं करना, भाई कुत्ता जी को लाठी जी से मारो जी, यानी जयकारा कितना बड़ा है, कितना भाषा चलती थी उस टाइम पे, मुझे बिल्कुल पर्टिकुलरली खुद याद है। और अगर मान लो कोई बाहर का आदमी पूछने आ गया रास्ता तो यहाँ तो कहते हैं भाई नाक की सीध में चला जा कहीं भी जाए, लेकिन वहाँ पर स्थिति यह है कि आपको पानी पिलाएंगे, आपको मीठा गुड़ देंगे और देकर फिर आपको कोशिश करेंगे कि आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा के आए। तो ये सब चीज़ें जो राजस्थान में मिठास है ये अपने आप में एक बहुत अनूठी चीज़ है। सन 1949 में राजपूताना की छोटी बड़ी अनेक रियासतों का विलय करके राजस्थान प्रदेश की स्थापना की गई। यह प्रक्रिया 30 मार्च 1949 को सम्पन्न हुई। राजधानी दिल्ली में भी उस समय राजस्थान के सभी वर्गों के लोग रहते थे। राजस्थान के कुछ उद्योग परित, सरकारी विभागों और निजी संस्थानों में कार्यरत राजस्थानी लोग भी यहाँ रहते थे। अतः दिल्ली में कुछ राजस्थानी संस्थाएं 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस आयोजित करने लगी थी। सन 1972 में कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि क्यों ना अलग अलग राजस्थानी संस्थाओं को मिलाकर एक मजबूत संगठन स्थापित किया जाए। तब तत्कालीन राज्यसभा सदस्य श्री राम निवास मिर्धा ने इसमें काफी रुचि दिखाई। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में राजस्थान संस्था संघ ने अपना श्रेष्ठ स्वरूप हासिल कर लिया और सन 1973 में राजस्थान दिवस मावलंकर सभागार में आयोजित किया गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मुख्य अतिथि के रूप में पधारी। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकत उल्ला खान और अन्य कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तब से लेकर आज तक न केवल राजस्थान से जुड़ी हस्तियां संस्था से जुड़ी बल्कि देश के नामचीन नेताओं ने संस्था के कार्यक्रमों में भाग भी लिया। यह संस्था राजस्थान के एक बहुत ही कद्दावर नेता राम निवास मिर्धा उनके द्वारा स्थापित की गई थी और जयनारायण जी खंडेलवाल जो कि कई संस्थाओं के एक 100 से भी ज़्यादा संस्थाओं के से वो जुड़े हुए थे, उनके अध्यक्ष थे, उनके संस्थापक थे, तो वो एक अपने आप में संस्थान थे, खुद ही एक इंस्टीट्यूशन थे। वो उन ऐसे लोगों के द्वारा ये संचित की हुई संस्था है जो कि
निरंतर समाज सेवा के काम करती है। यहाँ पर राजस्थान के स्थापना दिवस की जो परंपरा है वो राजस्थान संस्था संघ ने ही शुरू की बात की। सरकारी स्तर पर आयोजन बाद में शुरू हुए, ऐसी आपको शायद ऐसा उदाहरण और कहीं राज्य में नहीं मिलेगा जो कि राजस्थान संस्था संघ ने यहाँ स्थापित किया है। राजस्थान संस्था संघ का उद्देश्य। राजस्थान संस्था संघ अपनी स्थापना के समय से ही राजस्थान की धरती से जुड़े राजनीतिज्ञों, समाज सेवियों, उद्योगपतियों और अधिकारियों को सम्मानित करता आया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि राजस्थान के प्राचीन गौरव और गतिशील वर्तमान और आशापूर्ण भविष्य को प्रस्तुत करना और दिल्ली में रहने वाले सभी राजस्थानी बंधुओं में परस्पर सहयोग, संपर्क व स्नेह बढ़ाना है। ये संस्था किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई नहीं है। संस्था के कार्यकर्ता चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के क्यों ना हो, लेकिन संस्था में वह मिलकर काम करते हैं। तो चलिए अब राजस्थान संस्था संघ से जुड़े महानुभवों से बातचीत करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो राजस्थान संस्था संघ है इसका इतिहास अभी हमारे दर्शकों ने भी देखा, लेकिन मैं आपके जुबान से सुनना चाहूंगी कि कैसा इसका इतिहास रहा, कब से इसकी शुरुआत रही। जैसे दिल्ली में तो राजस्थान संस्था संघ का प्रोग्राम सन 1973 से मनाना शुरू किया था। वो हमारे राजस्थान के राम निवास जी मिर्धा जो राज्यसभा के मेंबर थे उनके दिमाग में एक हलचल मची कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें जो माटी में बालू जाती है उसमें सुगंध आती है, खुशबू जैसे केसरिया खुशबू। तो उन्होंने एक संस्था बनाई, 5-10 आदमियों ने मिलकर कि भाई ये राजस्थान संस्था संघ बनाई। फिर वहाँ 73 से बाद उसके बाद रेगुलर चलती रही। तो वहाँ यहाँ पे इंदिरा गांधी मतलब जितने भी उन्होंने क्यों राज्यसभा के मेंबर थे इंदिरा गांधी को कहा था, इंदिरा गांधी आ गई और किसी को कहा था, वो सब संस्थाओं में सब बड़े से बड़ा नेता यहाँ आया हुआ है और बड़े से बड़ा व्यापारी आया हुआ है और छोटे से छोटा व्यापारी भी इसमें सम्मिलित हुआ है। इसमें ये बड़े छोटे का कोई प्रकरण नहीं, यहाँ तो सिर्फ राजस्थान को ऊर्जावान बनाने के लिए हम यहाँ पर वो बनाते हैं और ये राजस्थान के भूमि की कि यहाँ देव रमन ने आते हैं राम को क्योंकि बड़ी ठंडी हो जाती है और राजस्थान में जैसे जैसलमेर है वगैरह ये बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ बढ़िया बढ़िया खनिज पदार्थ भी बहुत है जैसे हमारे कोलायत में जो माटी निकलती है मेट वो सब जगह जाती है, औरतों के माथों में लगाने के काम आती है, उसके बाल भी सही रहते हैं और उसकी वो क्या बनती है कप प्लेट भी बनती है, ऐसी कई तरह की खनिज पदार्थ भी है जो अब धीरे धीरे अपना आप उजागर हो रही है। बाड़मेर में तेल निकला है, पेट्रोल, पहले सब चीज़ें दबी हुई थी अब सब उजागर हो रही है और राजस्थान में जितना भी आदमी काम करना चाह सकता है कर सकता है। एक तो राजस्थान के आदमी बड़े सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं, उनकी वाणी में मिठास होता है, वो अपने मेहमान को भगवान से ज़्यादा बढ़कर मानते हैं और ये केसरिया जो केसरिया बना राजस्थान की मीठी बोली बहुत मीठी है, जोधपुर की तो तेज़ आओ जी खाओ जी ये ऐसी प्रकार से होती है। यहाँ तो प्रेम भरा हुआ है राजस्थान में, माटी माटी में कण कण में प्रेम भरियोड़ा है। ये राजस्थान का तो कोई दूसरा राज्य इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता है, चाहे कितने भी राज्य हैं हिंदुस्तान के, मगर इसकी बोली में, इसकी चाली में, इसकी मिट्टी में जो खूब है शायद ही किसी में हो। सर, जैसे कि आप राजस्थान संस्था संघ के आप अध्यक्ष हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना चाहूंगी और कब से इसकी स्थापना हुई और क्या उद्देश्य है इस संस्था का। मैं अगर
राजस्थान संस्था संघ के उद्देश्य की बात करूं तो सिंपल उद्देश्य है कि राजस्थानी जो हमारे भाई हैं जो दिल्ली में विराजते हैं जी। उन सब के उत्थान के बारे में सोचना, यही बात हमारे दिमाग में, मतलब हमारे जो सीनियर्स हैं उनके दिमाग में आई और इसी को लेकर इसकी स्थापना हुई। ये था कि क्योंकि दिल्ली में हर स्टेट से लोग यहाँ पर रहते हैं और दिल्ली में बहुत सारी संस्थाएं भी बनी हुई हैं, उन संस्थाओं को जोड़कर, क्योंकि सभी लोग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन सबको जोड़कर एक फेडरेशन बनाई गई जिसका नाम राजस्थान संस्था संघ रखा गया और सभी मिलजुल कर आपस में एक दूसरे से सहयोग करके हम उस टाइम पर, क्योंकि ये बात 1949 की है जब राजस्थान का यहाँ पर, मतलब राजस्थान का गठन हुआ था, 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्टेट बनी थी और स्टेट के बाद में ये बात विचार आया 1973 के आसपास, 72 में आया कि राजस्थानी जो लोग दिल्ली में विराजते हैं उनको कुछ आगे बढ़ाया जाए, उनका सहयोग किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो काम करते कामगार लोग थे, मजदूर थे, कोई बहुत जो बड़े इंडस्ट्रीज थे, राजस्थान से निकले हुए बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन वो सब लोग कलकत्ता की तरफ निकले। दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो आए वो एक लेबर क्लास या थोड़ा मिडिल क्लास, मैं उसकी बात कहूँगा, तो उनको सहयोग आपस में बन सके। और उसके बाद में इसकी स्थापना हम लोगों ने 1972 में राजस्थान संस्था संघ की स्थापना हुई और 73 में हमने पहला कार्यक्रम, 30 मार्च 1973 को पहला कार्यक्रम राजस्थान संस्था संघ फेडरेशन के अंतर्गत किया जिसमें सभी संस्थाएं जुड़कर मिलकर एक कार्यक्रम हुआ। सर, ये जो आगामी 24 जुलाई है इसमें आपका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो इस कार्यक्रम में आप किन किन लोगों को सम्मान करेंगे और क्या ये कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जब से राजस्थान संस्था संघ बना है तब से हमने एक प्रथा डाली कि राजस्थान के जो राजनीतिज्ञ हैं उन सबको हम इसमें जोड़कर चलें, ब्यूरोक्रेट हैं उनको जोड़कर चलें और उनको सम्मान करें ताकि हमारे राजस्थानी भाई उनसे एक्सेस, बहुत क्लोज एक्सेस हो जाए, सबसे बहुत परिचित हो जाएं, तभी हम आपस में सहयोग की भावना ला सकते हैं और बन सकते हैं। ये बात 1973 से चली आ रही है कि जब भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं या राज्यसभा के मेंबर बने हैं उन सबको बुलाकर हम सम्मान करते हैं। उसी क्रम में इस 24 तारीख को भी, इस लोकसभा के चुनाव के बाद जितने भी मेंबर लोकसभा के होंगे और या राज्यसभा के होंगे, लगभग 25 मेंबर जो हैं लोकसभा के हैं और 10 मेंबर राज्यसभा के, 35 मेंबर पार्लियामेंट जो बने हैं उसमें मंत्री भी आ गए और इस बात तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं भाई ओम बिरला जी, जिनका हम पिछले 2 सत्र में सम्मान कर चुके हैं, वो भी मौजूद हैं, वो भी सब आएंगे। उनसे मेरी बात भी हुई है, चर्चा भी हुई है, उन्होंने कहा तो हमारा रेगुलर अपना कार्यक्रम है, अपनी संस्था है, मैं जरूर आऊंगा। तो मेरा कहना क्या है कि इसी क्रम को सिर्फ इसलिए कि आपस में भाईचारा हम आपस में शेयर कर सकते, लेकिन ये क्रम रेगुलर चल रहा है पिछले लगभग 45-46 वर्षों से, 1973 से जब से स्थापना हुई है ये कार्यक्रम है। पहले तो बल्कि हम और भी कार्यक्रम किया करते थे जिसमें मीराबाई क्योंकि राजस्थान से हैं, मीराबाई के ऊपर कार्यक्रम, महाराणा प्रताप जी के ऊपर कार्यक्रम, ये तो हमारे बिल्कुल शेड्यूल कार्यक्रम रहे हैं ताकि हम समय समय पर मिल सकें, बात कर सकें आपस में। और एक अभी प्रयास है, लेकिन क्योंकि हुआ नहीं पूरा एक राजस्थान की वजह से, वैसे यहाँ पर बहुत भवन है एक से एक, लेकिन हम चाहते थे कि संस्था के माध्यम से भी एक भवन बन जाए ताकि जो भी राजस्थानी भाई इंडिया में कहीं भी रह रहे हों, अदर वर्ल्ड में कहीं रह रहे हों, उनको एक बिल्कुल एम्बेसी टाइप लगे कि भाई आए यहाँ ठहरे रुके बैठे करें। उस प्रयास में हम लगे हुए हैं और जल्द ये भी पूरा हमारा सपना हो जाएगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं नवरत्न अग्रवाल जो कि राजस्थान संस्था संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप राजस्थान के ही हैं बेसिकली और आप की जो संस्था है राजस्थान संस्था संघ, और जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना इतिहास के बारे में भी जाना, सब चीजों के बारे में, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आपकी इस संस्था में क्या अहम भूमिका है? मैं राजस्थान संस्था संघ से अभी कुछ समय पहले ही जुड़ा हूँ और मैंने राजस्थान बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ।
हमारे को इसलिए बनाया गया कि बीकानेर की जो खुशबू है अभी राजस्थान के लोगों को हम जोड़ के किस प्रकार से यहाँ पे राजस्थान संस्था संघ को एक बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि राजस्थान की जो खुशबू है वो हम सर्वश्रेष्ठ खुशबू को लोगों के बीच में ला सकें, लोगों के जो कार्य हैं, जो प्रेम है और चीज़ों को हम राजस्थान के लोगों को जो संस्था संघ है जितनी संस्थाएं हैं उनकी सबको समझते हुए हम इसको आगे ला पाएं किसी प्रकार से जी। और राजस्थान आज की तारीख में अगर इसके बारे में कहूं कि इसमें क्या है जो मैंने महसूस किया राजस्थान को, मैंने अपने परिवार को देखा तो एक ज्वाइंट परिवार है राजस्थान और वो एक दूसरे की सपोर्ट अल्टीमेट सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की, अपने लिए चाहे भले कोई काम करें या नहीं करें लेकिन दूसरा कोई आता है उसके लिए श्रेष्ठ कार्य करने के लिए आगे रहते तत्पर तैयार रहते हैं। जैसे मेरे साथ में अपने को देखता फादर को देखता हूँ तो फादर सुबह जल्दी उठना, रात तक लेट तक जाना और सब प्रोग्रामों में आगे तक खड़े होके और हर चीज़ को बड़ी गहराई से समझना, समझाना और उसको करना, उसकी जिम्मेदारी लेना और सबको साथ में लेकर जोड़ना। और ये हमारे इसी कारण आज परिवार 130 मेंबर्स जुड़े हुए हैं राजस्थान के बीकानेर के परिवार, हम सब जुड़े हुए हैं और सब बराबर हैं। मतलब हम जुड़ा हुआ भी ऐसा है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। और यही हम देखते हैं कि परिवार राजस्थान के लोगों में भी वो खुशबू है। हमने अपने मदर को, फादर मदर को, ताई जी और को सबको हर कार्य में जैसे खाना ही बनाते थे पहले क्योंकि पैसे ज़्यादा हुआ नहीं करता था, बचपन की बातें कहता हूँ, तो उस टाइम अपने हाथों से खाना बनाना और अपने स्टाफ को भी उस तरह से खिलाना जैसे अपना बेटा आया हुआ बाहर से आया हुआ भी तू एक रोटी और खा और उसका पूरा ख्याल रखना, ऐसे ही फादर और भी पूरा ख्याल रखते थे। और आज भी अगर कहीं किसी चीज़ को कहीं गाँव में कोई भी आ जाए, घर पर कोई भी आ जाए, बिना खाना खिलाए नहीं भेजते थे पहले भी और आज भी नहीं भेजते। और उनको खुशी होती थी कि कोई खाना उसको खिला के बाहर से आता था उसको खाना खिला के भेजने में खुशी होती थी। तो हमारा इस संस्था का रोल क्या है, मतलब मैं कि इसकी जो खुशबू है हम सब भाईचारे से रह पाएं और हम इस संस्थाओं को लोगों को आपस में जोड़ के कहीं किसी को प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकें और इस संस्था को हम कहीं ऊपर ले जाएं ताकि जो इसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी हम कहीं उसको भी उनका भी उत्थान कर पाए किसी तरह। सर जैसे कि जो संस्था है आप जो लोकसभा और राज्यसभा में जो नव निर्वाचित जो सांसद होते हैं आप उनको सम्मान करते हैं, तो बेसिकली ये सिर्फ राजस्थान वालों के लिए ही है या फिर दिल्ली या फिर अन्य जगहों के लिए भी? ये जो संस्था है वो राजस्थान, क्योंकि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, तो हमारा काम था कि हम पूरे राजस्थान को लेके चलें, राजस्थान और दिल्ली के सारे सांसदों को और हम साथ लेके चलें ताकि उनसे हम सीख सकें, हमारी जो उनकी एसेंस हैं हम अपने पास सीख सकें और लोगों को जोड़ पाएं के काम, ताकि किसी को दिक्कत ना आए और हमारी अपनी दिक्कतों को हम इन सांसदों के द्वारा या ब्यूरोक्रेसी के द्वारा हम सबको क्लियर कर पाएं। इसीलिए हम दिल्ली और राजस्थान के सारे सांसदों को जोड़ने वाले हैं। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। अब हमारे साथ मौजूद है राजस्थान संस्था संघ के महामंत्री कृष्ण कुमार नरेडा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर जैसे कि आप इस संस्था के जो है आप महामंत्री हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी संस्था को चलाने के लिए, महामंत्री की बहुत अपनी अहम भूमिका है, आपकी इस संस्था को लेकर के क्या अहम भूमिका है समाज के लिए? राजस्थान संस्था संघ जो कार्य करती है उस सबको संपादित करना मेरा काम है और राजस्थान संस्था संघ के अंदर में हम सिर्फ राजनेताओं को बुला के सम्मान नहीं करते, हम समाज के उत्थान के लिए जो व्यापारी हैं या जो काम करते हैं उनका भी सम्मान करते हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई काम करते हैं उनका भी सम्मान करते हैं, किसने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किया उसका भी सम्मान करते हैं, खेलकूद में जिसने मतलब नाम कमाया और राजस्थान से है उसका भी सम्मान करते हैं, कोई मतलब जो डॉक्टरी पेशे के अंदर में अच्छा काम कर रहा है तो उनको हम सेलेक्ट करके हर साल सम्मान करते हैं। जो राजस्थान दिवस मनाते हैं हम उसके अंदर में हर साल 5 कैटेगरी के अंदर में हम लोगों को बुला करके सम्मान करते हैं। एक तो ये बात हो गई और जो राजनेताओं को बुलाने की बात है तो राजस्थान से संबंधित कोई भी MP अगर वो कहीं और से भी बनता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ला करके यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा करें और ला करके उसका सम्मान करें, तो ये कोशिश हमारी रहती है। मेन उद्देश्य जो हमारा ये है कि जितनी संस्थाएं हैं दिल्ली के अंदर में जो राजस्थान से जुड़ी हुई है उन सारी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म के नीचे ला करके हम इसका प्रचार प्रसार करें, हमारी संस्कृति जो है उसको हम सामने लाएं। राजस्थान अपने आप में बहुत सी चीज़ें समाहित किए हुए उन सब चीज़ों को उजागर करके जनता के सामने लाना हमारा परम उद्देश्य है। सर जो अभी आगामी कार्यक्रम जो है आपका 24 जुलाई को जिसमें आप कई सांसदों को भी आप सम्मान करेंगे तो उस कार्यक्रम में क्या रहेगा और कैसे आप उसका संचार करेंगे? आगामी 24 तारीख को हम कन्वेंशन सेंटर जो NDMC का है
जंतर मंत्र के सामने, उसके अंदर में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। राजस्थान से चुन के जो राज्यसभा लोकसभा के एमपी आए हैं उन सबको हम बुला रहे हैं, उनका हम वहाँ पे सम्मान करेंगे, ये परंपरा के अंदर में रहा है। इसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि इस बार जो दिल्ली से भी चुन के आए एमपी उनको भी बुलाया जाए, उनको भी जोड़ा जाए और सम्मान किया जाए। उसके अंदर में एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, उनका सम्मान होगा, यही कार्यक्रम है। उसके बाद में हमने मतलब जो सबके साथ में मतलब भोजन की व्यवस्था रखी है, हम सारे इकट्ठे होकर के एक साथ भोजन लेंगे ताकि एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें और लोगों के अंदर में आपसी भाईचारा बढ़े, ये हमारा कार्यक्रम है, इसको हम करने जा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने जाना राजस्थान संस्था संघ के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कि क्या है ये संस्था और किस तरह की ये समाज को सेवाएं अपनी दे रहे हैं, ऐसे ही कई और संस्थाओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम और देखते रहिए सुभारती चैनल। नमस्कार, जय हिंद।